भिंड में एक साल पहले हुए बहुचर्चित ट्रिपल हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की गई है। हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी बीजेपी नेता पूर्व सरपंच बंटी त्यागी, उसके पिता नरेंद्र शर्मा के खिलाफ मोहगांव कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। आरोपी बीजेपी नेता ने अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था, जिसमें सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए, लेकिन बंटी त्यागी राजनीतिक संरक्षण की वजह से घटना के बाद से फरार चल रहा है। कोर्ट में अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। फरियादी पक्ष के लोग अपने खेतों पर जा रहे थे, तो खेतों से जैसे ही गांव से आगे को निकले एक मंदिर है, वहां पर इन आरोपीगण ने एक राह होकर पहले से तैयारी किए हुए बैठे थे, तो इन्होंने जो है उसको घेर लिया। हम लोगों और घेर करके और इंसान बहुत नेताजी भी करते हो और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। उसमें जो है 3 लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद जो है पुलिस आई, थाने पे गए, वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई गई और उस रिपोर्ट में जो है आरोपीगण के नाम में नरेंद्र शर्मा और उनका लड़का निशांत उर्फ बंटी और 16 अन्य लोग, इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट हुई। और रिपोर्ट के बाद उनके जो है पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में धारा 161 में कथन हुए, फिर उसके बाद जो है धारा 164 में न्यायालय में कथन कराए पुलिस ने।